पुलवामा में आतंकी हमले में देश के जवानों की शहादत से हर कोई गुस्से में है। सरकार ने बदला लेने की बात तो कही है, लेकिन मामला हमले से नहीं कूटनीति से सुलझाने की बात कही गई है। इसकी शुरुआत करते हुए पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन यानी MFN का दर्जा वापस ले लिया गया है। कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटीज की बैठक में ये फैसला लिया गया। जो मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा पाकिस्तान को दिया गया था, उसको वापस लेने का निर्णय आज सरकार ने किया है। वाणिज्य मंत्रालय इसके संबंध में जो सूचना जारी करनी है वो करेगा। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनने के साल भर बाद भारत ने पाकिस्तान को 1996 में MFN का दर्जा दिया था। हालांकि पाकिस्तान ने बदले में कभी भारत को MFN स्टेटस नहीं दिया। दरअसल MFN का मतलब है कारोबार के मामले में सबसे पसंदीदा देश। विश्व व्यापार संगठन और इंटरनेशनल ट्रेड नियमों के आधार पर व्यापार में MFN का दर्जा दिया जाता है। MFN का दर्जा मिल जाने पर देश को इस बात का भरोसा हो जाता है कि उसके कारोबार में नुकसान नहीं होगा। इसके तहत आयात निर्यात में आपस में खास रियायत दी जाती है। ये दर्जा प्राप्त देश कारोबार में सबसे कम आयात शुल्क देता है। WTO के सदस्य देश खुले व्यापार और बाजार के जरिए एक दूसरे से जुड़े हैं, लेकिन MFN दर्जा पाने वाले देश को सबसे ज्यादा छूट मिलती है। अगर कारोबार के नजरिए से देखें तो भारत और पाकिस्तान के बीच चीनी, ऑर्गेनिक केमिकल, रुई, सब्जियों और चुनिंदा फलों का कारोबार होता है। इसके साथ ही मिनरल ऑयल, ड्राई फ्रूट्स, स्टील जैसी कमोडिटीज और वस्तुओं का कारोबार दोनों देशों के बीच होता है। इन चीजों के आयात में पाकिस्तान को टैक्स में रियायत मिलती है, लेकिन अब MFN का दर्जा वापस दिए जाने के बाद पाकिस्तानी कारोबारियों को भारत के साथ कारोबार में दिक्कतें होंगी, यानी पाकिस्तान को इससे काफी आर्थिक नुकसान होगा। वर्ल्ड बैंक ने दिसंबर 2018 में उम्मीद जताई थी कि भारत और पाकिस्तान के बीच अभी तक चलता आ रहा $2 बिलियन का व्यापार बढ़कर $37 बिलियन हो सकता है, लेकिन अब पाकिस्तान का MFN दर्जा खत्म होने के बाद व्यापार में भारी कमी आ सकती है। पाकिस्तान ने भारत को MFN का दर्जा नहीं दिया। उरी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान से ये दर्जा छीन लेने की बात कही थी, लेकिन भारत सरकार ने समीक्षा करने के बाद इस पर फैसला नहीं लिया था। अब पुलवामा में देश के जवानों के शहीद होने के बाद केंद्र सरकार ने ये कदम उठाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।